नमस्कार पशुपालक भाइयों, तो पशुपालक भाइयों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे गुजरात की जाफराबादी हाथी जैसी भैंस है। तो आप देख रहे हो इस वीडियो में तो हमारे YouTube का पहला वीडियो होने वाला है। बुल का तो हमने पहले वीडियो डाल रखा है पर भैंस का, इतनी भारी भैंस का हमने कभी भी वीडियो नहीं डाला है हमारे चैनल पे, क्योंकि हम अधिकतर जाफराबादी भैंसों के वीडियो डालते रहते हैं। तो फर्स्ट बार आपको ऐसे भैंस देखने को मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। वो भी कहाँ पे है तो एक बार एड्रेस जानते हैं, तो दीदी से इनका पूरा एड्रेस जानते हैं। ये सभी पशु को ये खुद हैंडल करते हैं, इनके पापा मम्मी पूरा परिवार मिलके करते हैं। तो ये भी डेयरी फार्म का करते हैं सारा काम, तो इनको भी पूरा नॉलेज है। तो नमस्कार दीदी। नमस्कार। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भाविसा है। और आपका एड्रेस बता दीजिए। यहाँ कोरबंदर। हाँ देगा पोरबंदर दे गाँव। हाँ। तो पोरबंदर से सिटी से कितना दूर है अपना? सिटी से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर है ना पोरबंदर सिटी से, 7 किलोमीटर ही है। तो आपने अधिकतर नाम तो सुना ही होगा भीमा भैया का, तो उनके फार्म पे भी आए हुए हैं हम। तो आज ये छोटी बहना विजिट करवाएंगे इनका पूरा फार्म। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतनी हैवी हैवी इनके पास में भैंस हैं, कितने साल हो गए इनको इतनी अच्छी अच्छी भैंसे रखते हुए, तो और जानते हैं इनके बारे में। तो दीदी एक बार आप बता दीजिए कितने साल हो गए आपको ये मतलब पशुपालन का काम करते हुए? पापा को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। और आपको कितना साल हो गए इनका काम करते हुए? मेरे को कोई 10-12 साल हो गए। जब छोटे थे तभी से है ना? बहुत बढ़िया। तो 10-12 साल इनको भी हो गए। आपकी अभी एज कितनी है? अभी 18 साल। 18 साल एज इनकी। जैसे कि 7-8 साल से इनका मतलब पशुपालन में इनकी रुचि लग गई, और ये बोल रहे जैसे कि शुरुआत से हमने ये मम्मी की पापा के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी इस भैंस के बारे में एक बार आप डिटेल बता दीजिए। इतनी बॉडी स्ट्रक्चर में देखे तो, लंबाई में देखे तो, हाइट में देखे तो इतनी भारी भैंस हमने कहीं नहीं देखी है। तो आपके फार्म पे तैयार की हुई है, आपने भी कहीं से खरीदी है ये? ये हमने खरीदी थी। कहाँ से खरीदी? वो हमारे संबंध में ही थे। संबंध में ही थे, उसके बाद से खरीदी थी। कितने साल हो गए? यही किन्ही 2 साल। 2 साल हो गए ना। तो ये मतलब अभी कितना दूध दे रही है ये? अभी तो 7 लीटर। अभी 7 लीटर दूध दे रही है। और जब बच्चा दिया था तब कितना देती थी? तब 12 लीटर एक टाइम का दूध देती थी, और 24 लीटर पूरे दिन का। बहुत बढ़िया है, देख लो। अभी 7, तो कितने महीने की प्रेग्नेंट है अभी ये? अभी तो ये 5 महीने की प्रेग्नेंट। 5 महीने की है। और बच्चा दिए हुए कितने महीने हो गए इसको? 8 महीने। 8 महीने हो गए और 5 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो 2-3 महीने में ये वापस हो गई। हाँ। प्रेग्नेंट ना। बढ़िया है। तो अभी कितने महीने तक और दूध देगी? 8 महीने तो ये रेगुलर देती है। 8 महीने तक। हाँ। रेगुलर देती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। 8 महीने तक रेगुलर दूध देती है, और दूध की कैपेसिटी भी अच्छी है। आप देख रहे हो पूरे दिन का 24 लीटर दूध देने वाली ये भैंस है। और हाइट में और बॉडी में आप देख रहे हो इतनी भारी है, तो दूध देने की क्षमता भी इसकी अच्छी है। बहुत बढ़िया है। तो इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह करवाया होगा या नहीं करवाया इसका? उन्होंने तो मेरे में दे दिया। तो उसको तारे का जब मेला था वहां पर ले गए थे। अच्छा, वहां पे लेके गए थे। तो कब मतलब कुछ अवार्ड वगैरह मिला या? वो कुछ मिला नहीं, लेकिन वो आ जाते पर तो फिर नहीं आए। इसमें ठंड की कमी है, ठंड की कमी के कारण। बाकी हाइट में बहुत अच्छी है, देख लो इतनी हैवी बॉडी वाली है। मेरे से भी इसकी हाइट ज्यादा है, और अभी ये थोड़ी मतलब डरती भी है, इसलिए बाकी आप इसका देख सकते हो सिर कितना ऊपर से उठा हुआ है, सींग देख सकते हो। इतनी भारी भैंस तो बहुत कम चांस में देखने को मिलती है, जैसे कि छोटा हाथी जैसी दिख रही है। और इसके बारे में जानते हैं, तो इधर आ जाइए दीदी। तो दोस्तों इस भैंस के बारे में हम जानेंगे, और ये फार्म वाले भीमा भैया है, तो उनको मतलब पूरा नॉलेज है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको इतना पूरा ध्यान नहीं है। आप देख रहे हो पीछे भीमा भैया को, इनका क्या मतलब पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, गिर गए थे तो उस वजह से ये चल नहीं पाते हैं। तो वही से भैया से पूछते हैं, तो भैया इसमें कितना दूध है? सब 35 लीटर का। सब बच्चा दिया था 35 लीटर का। एक पंप खराब हुआ। हाँ हाँ। इसके बाद 30 लीटर। 30 लीटर। हाँ।
एक पहले इसमें ब्याही थी तब 35 लीटर दूध था और एक थन इसका खराब हो गया है तो उसकी वजह से अभी 30 लीटर पूरे दिन का यानी एक टाइम का 15 लीटर दूध देती है। तो इसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह बनवाया होगा आपने क्योंकि इतना दूध देने वाली पैसे नहीं है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड बनाया था, पूरी गुजरात में दूसरा नंबर पे आई। अच्छा, पूरे गुजरात में दूसरे नंबर पे आई है ना, गवर्नमेंट में इसका रिकॉर्ड बनाया था गुजरात गवर्नमेंट में, तो दूसरे नंबर पे ये भैंस आई है दूध के मामले में देखे तो। 35 लीटर का रिकॉर्ड करवाया होगा ना पूरे दिन का। हाँ। बहुत बढ़िया है। तो कितने बार इसने बच्चा दे दिया? 5 बार दिया। अभी 5वीं बार या छठी बार है? अभी छठी बार प्रेगनेंट है। हाँ, और अभी भी ये दूध दे रही है, अब थोड़ा कम है। नहीं, अब कम है वो, क्योंकि 5वां महीना चल रहा है। हाँ, तो अब कितना देती है? 7-8 लीटर देती है। नहीं, अभी 7-8 लीटर, बाकी जब नया जनती है ना, नया बच्चा देती है, तब कितना दूध देती है? बच्चा देती है 15 लीटर। एक टाइम का 15 लीटर अभी भी है ना। हाँ। बहुत बढ़िया है, देख लो 5वें लैक्टेशन में भी 15 लीटर दूध देती है एक टाइम का ही है। और अभी बच्चा दिए इसको ज्यादा महीने, कितने महीने हुए? 10 महीने हो गए हैं, तो 7 लीटर अभी भी दूध दे रही है। देख लो, नॉर्मल भैंस होती है जो बच्चा देती है तब 7 लीटर दूध देती है, ये तो अब 10 महीने हो चुके हैं तो अभी आराम से 7 लीटर 14 लीटर पूरे दिन का इसका दूध है। बहुत अच्छी है बॉडी स्ट्रक्चर में, हाइट में, और टोपली है जाफराबादी के अंदर, बहुत अच्छी हैवी बॉडी वाली भैंस है। तो आगे जानते हैं। बुल देवराज, दोनों बुल देवराज और भीमा पंजाब में दिया है। अच्छा, इसका भीमा पंजाब में दिया, देवराज और भीमा दोनों बुल है ना, दोनों है ना। तो ये वाली भैंस आप देख रहे हो, तो इसका भीमा और देवराज दो बुल थे जो आपने नाम सुना होगा पंजाब में, तो वहां पर दिए है। जानते हैं, ये टोपली है, बहुत ही अच्छी है भैंस। और ये जो कटड़ी है ये किस लिए है? वो टोपली, टोपली है ना। तो दोस्तों, इस भैंस की कटड़ी आज हम आपको दिखाएंगे, ये रही, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों, ये कटड़ी है उस टोपली वाली भैंस की जो 35 लीटर है पूरे दिन का दूध देने वाली, उसकी दूध देने की कैपेसिटी है, तो उसकी ये कटड़ी है। तो इसके ये कितने है? वो अभी प्रेग्नेंट है, ये 5 महीने की, कितने साल की है? 3 साल की है और 5 महीने की प्रेग्नेंट है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, ये देख लो, ये भी जाफराबादी की बहुत ही अच्छी कटड़ी है, कुंडी सींग वाली है, इसके सींग अंदर की तरफ घूमे हुए हैं, बहुत बढ़िया है। तो भैया, इसके बारे में बता दीजिए, कितना साल की है? वो चौथा साल चल रहा है, 3 साल के ऊपर की है, 3.5 साल की है ना, बहुत बढ़िया है। 6 महीने की प्रेगनेंट है, 6 महीने की प्रेगनेंट है। तो ये किसकी है बछड़ी? वो मैंने सेल कर दी, इसकी माँ, इसकी माँ सेल कर दी, बगरी की, बगरी की बेटी है ये। तो बगरी कितना दूध दिया था? बकरी एक टाइम का 13 देती थी, एक टाइम 14 लीटर। अच्छा, 27 लीटर के करीब इसकी माँ दूध देती थी, और अब ये इसकी उसकी बेटी है, तो ये भी अच्छा दूध देगी, और 6 महीने की प्रेग्नेंट बता रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया है। हाइट में भी अच्छी है, दिखने में भी आप देख रहे हो बहुत बढ़िया है ये कटड़ी।